अच्छा 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 सही है जो इंसान दिल की हमेशा खुश कर दुआ है जी सही है। खाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तांके केडी गाले में खुशी थी दिया तांके खुशी महसूस थी दिया है मानसा। अच्छा आप लोगों को बताना चाह रहा था, तो अभी मैं चलता हूँ नमाज पढ़ने के लिए क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, मगरिब का टाइम होने वाला है। पहले नमाज पढ़ते हैं क्योंकि आज शब रात है, शब रात की रोटी बहुत अच्छी होती है हमारी मस्जिद में। पहले रोटी वगैरह मुकाते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के हर इंसान की एक सोच नहीं होती क्योंकि यार वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। जाहिर सी बात है उनसे मेरी बात नहीं हो सकती, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, तो यार उससे मेरी बात हुई है। आप लोग ऑडियो कॉल करके दिखाई, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा उसको वीडियो कॉल करूँगा। उसको मैंने बोला है व्हाट्सएप पे बातचीत करें वीडियो कॉल की, तो मुझे टाइम भी नहीं होता यार, कभी सदका बाद कभी कहाँ कभी कमा। अभी मैं डेर की आ रहा हूँ मोबाइल लेने का था, तो मोबाइल में लेकर वापसी आ गया, तो गया था यार मैं डेर की, चलें ये क्लिप देखें मैं गया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ्रेंड्स अब्दुल वहीद और आप लोग देख रहे हैं वहीद। तो आज का मज़ेदार ब्लॉग करते हैं शुरू। सो अभी हम चाह रहे हैं डेर की मोबाइल लेना है यार, पावर बैंक में लेके आऊँ क्योंकि आईफोन की बैटरी कम है, तो इस मुझे को मोबाइल लेना था। तो अभी यहाँ से पंप से पेट्रोल डलवा रहे हैं तकरीबन 500 रुपये का, तो मेरे साथ है मोला ही अभी ये जा रहा है बने के, तो ये भी हमारे साथ है, इसको छोड़ना है डेर की, ये डेर की इसको अड्डे पर छोड़ेंगे तो ये चला जाएगा। भाई बने के जा रहे हैं आप? जी हाँ। इतनी जल्दी बने के क्यों जा रहे हैं? छुट्टी थोड़ी थी जी। यार ये पन्निया किल जा रहा है तो हमने पेट्रोल डलवा लिया, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ डेर की में। मार्केट का हम चक्कर लगा रहे हैं, एक सेट हमें पसंद आया लेकिन ये 2020 बहुत महंगा है, 33,000 रुपए का ये मिल रहा है। तो मार्केट में हम बैठे हैं, यहाँ पे मोबाइल देखने आए थे, मोबाइल लेना है। आपको लेना है? जी हाँ मोबाइल लेना है। कौन सा लेना है यार, बहुत महंगे हो गए, मार्केट तकरीबन 40-50,000 के ऊपर है। जी जी ऐसे ही यार, वो देखते हैं यहाँ से कोई मोबाइल पसंद आता है तो हम लेते हैं। अभी हम भाई की शॉप पर बैठे हैं यहाँ पे डेर की में, तो आगे चलते हैं, आगे मार्केट का चक्कर लगाते हैं उसके बाद लेते हैं, ऐसे नहीं लेंगे आज। यार ये देखा है हमने, ये मिल रहा है 40,000 का यार, पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, पैसों के हिसाब से मोबाइल महंगे हो गए। तो यार एक दूसरा मैंने लिया है 2020 है शायद, 2020 ये भी मिला है 33,000 का, बहुत महंगे हो गए मोबाइल। अब देखते हैं हम, ये सारे लगे पड़े यहाँ पर बहुत महंगे हो गए, ये पुराने मोबाइल हैं और न्यू पता नहीं 70-80,000 के हो गए। मोबाइल देख रहे हैं क्या? आईफोन काफ़ी, आईफोन काफ़ी ये कितने का है? 22,000 का, शशके लगाने के लिए, सिर्फ कान पे रखना है, लोग बोले आईफोन ले रहा हूँ लड़के फंसाने के लिए। हाँ लड़के फंसाने के लिए जी हाँ। ये मुझे अच्छा इंसान नहीं लग रहा सीधी लड़की। मोबाइल देखने के लिए हम आए हैं यहाँ पे, लेकिन 40,000 से कम कोई भी नहीं मिल रहा। मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, ये बस हाथ में घूम कर फिर रहा हूँ। यहाँ दुकान पे हम खड़े हैं लेकिन एक सेट हमें पसंद आया, ओप्पो A16 वही हम ले रहे हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया, चेक कर रहा है इसको, अभी चेकिंग हो रही है, तो अभी यहाँ से फाइनल करते हैं उसके बाद जाते हैं उबाड़ो। डेर की में अभी खड़े हैं यार, ये भी बहुत ज़्यादा अखबार है क्योंकि मोबाइल महंगे हो गए, दिन ब दिन रेट ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, तो उस हिसाब से बस रेट ऊपर जा रहा है। परसों मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरा मोबाइल लेके गया था मेरा छोटा भाई ऊपर पे गया हुआ था, तो जब वहाँ से आया उसके बाद इसमें चार्जर बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने पहले इसको चार्ज भी गिरा किया। अभी तक पावर बैंक मेरे पास पड़ी है, पहले ये इसकी केबल ली, ये मैंने 300 अहमदाद से अली शुगर की दुकान है उबाड़े में, तो वहाँ से हम डेर की आ गए। अब यहाँ से सेट फाइनल करते हैं, ये चेकिंग हो रही है यार, ये भी बहुत खुआरी है। एजेस की शॉप पे आए तो एजेस की बड़ी बड़ी मेहरबानी, तो हमें चाय पिलाई, बड़ी बड़ी मेहरबानी, ये चाय से ही पैसे निकालेगा हमसे, मोबाइल दे रहे हैं सिद्धू नहीं करता पैसा यार। अच्छा इसलिए इसलिए 3 दिन कब हमें पिलाया चाय, तो यार ये चाय हम फ्री की नहीं पी रहे, ये हम पैसे देंगे इसको, बस ये लूटने वाला है अभी। अरे कुछ ही बस कुछ ही देर में हम लूटने वाले हैं यहाँ से, तो मोबाइल हमने सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों में बस एक लेना है। सारी मार्केट चेक कर ली, कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, बस ये दोनों में वाइट है। अच्छा इन दोनों में बस एक लेना है, बस चाय के पैसे ले लेगा हमसे, तो जैसे समझो। तो यार ये पैसे काउंट हो रहे हैं, मोबाइल सेलेक्ट हो चुका है, ओप्पो A16 चार्ज हो रहा है, अब इसको फाइनल इसलिए सेटिंग वगैरह करके यहाँ से बस चलते हैं घर। ये बेचारा थक चुका है, ये भी हमारे साथ था, ये नहीं बहुत है माल बहुत है आपके पास, तो ये पन्निया किल जा रहा है, ये थक चुका है, तो मोबाइल हमने सेलेक्ट कर लिया भाई की बड़ी बड़ी मेहरबानी। इतने महंगे क्यों किए मोबाइल आपने? अरे रेट ऊपर हो गया है, डॉलर ऊपर हो गया तो रेट भी ऊपर हो गया क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया यार, बहुत पड़े हैं आपके पास। अच्छा पैकेज कौन करवा के देगा इसको?
पैकेज भी करवा के देना आप। कौन सा भाई? कौन सा भाई? दो ना, दो 500 दो, इसको पैकेज लगा के दो, एक महीने वाला। यार जमींदार बचा है, हम शहर में रहते हैं, चाय ठीक है, बस ये मोबाइल ओके हो रहा है। फिर साई की बड़ी बड़ी मेहरबानी, हमने मोबाइल तो लिया लेकिन दो दो जगह से अपनी चाय पी। भाई मैं 5000 में दे रहा हूँ, पैकेज करना है। अच्छा पैकेज करना है, साई की बड़ी बड़ी मेहरबानी, 500 तो मिला, वापसी मिला। बड़ी बड़ी मेहरबानी यार, ऐसा करेंगे 250 तो मिला, 250 मुझे देना, 250 रखना है, 250 मुझे देना, ये इसको थोड़ी पता चलेगा। तो यार साई की बड़ी मेहरबानी, हमने चाय पिलाई, एक पूरा भेजिए इसमें, और एक यहाँ क्या नाम है की बड़ी बड़ी मेहरबानी, हमें चाय पिलाई। तो यार हमने मोबाइल ले लिया मार्केट से और अब हम घर जा रहे हैं। बस ये बेचारा जा रहा है बनने के लिए ना। यार यहाँ पे हम आए थे ऑयल लेने के लिए, तो हम यहाँ पे बैठे हैं। शक्कू जो होता है ना, वो चला गया ऊपर बाइक लेने के लिए, वो भी बता रहा था, उसने बोला मैंने बाइक ले ली, तकरीबन उसने ले ली 146,000 की। सो भाई की बड़ी बड़ी मेहरबानी, तो हमें गर्मियों में जूस पिला रहा है, गन्ने की रस। तो यार ये जूस पीते हैं घर पे, ले आप लो, ले लो भाई। आप तो कुल्फ कर रहे हैं यहाँ से ऑयल लेते हैं। डेलो का कितना रेट चल रहा है? 950 रुपया लीटर। अच्छा गैलन कितने का होगा? 3800 का, तो बहुत महंगा ही होगा ये। अच्छा ये पेट्रोल के हिसाब से ये बढ़ता रहता है क्या? हाँ पेट्रोल के जिस रेट बढ़ते हैं, ऑयल के बढ़ते हैं, ऑयल की भी वैसे बढ़ते रहते हैं। हमने ले लिया, ये मिला तकरीबन 7600 का। यार बहुत महंगा हो गया, सिर्फ 8 लीटर 7600 का, 7600 950 लीटर हो गया। यार बड़ी बात है, हाँ हैरत हो रही है, इतना महंगा हो गया, इतनी महंगाई हो गई है। गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए, अगर ये ऑयल लेना पड़े उसको वो तो ऑयल ये खाने वाला भी नहीं ले सकता। तो यार अभी हम बड़ो जा रहे हैं, खाने वाला ऑयल पड़ा ही है, ले लो। अच्छा ये तो ब्रेक है लेना। यार आप बोल रहे हैं मतलब जिंदा वो मर जाए। नहीं ये खाने वाला है। अच्छा खाने वाला, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा तो यार अभी हम जा रहे हैं बड़ो, बड़ो जाकर आप लोगों के साथ मिलते हैं। बाकी आज मैंने ये ब्लॉग बनाया छोटा, मौली के साथ मैं प्रैंक करता हूँ, ठीक है? वो मस्जिद में नाच चला रहा है, वो सामने आप सुन सकते हैं, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, रुके। मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं मौली किसी के साथ कौन सा प्रैंक करता हूँ। तो चलिए मौली को मैं कॉल करता हूँ, मोबाइल जो है ना वो स्पीकर में चल रहा है, तो कॉल चलेगी स्पीकर में। चलिए देखते हैं मौली को मैं कॉल करता हूँ इस मोबाइल से। मैंने कॉल कर दी, अब कॉल जा रहा है मौली को, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये चेक करो, वो तो मैं नंबर नहीं शो करवाता, सुनिए सुनिए। तो मौली का मोबाइल नहीं चल रहा, किसी और का चल रहा था, तो मैंने सोचा शायद मौली का चल रहा होगा, तो इसलिए मैंने मौली को कॉल लगाई, लेकिन मौली को नहीं जा रही। मैं मोबाइल बंद करता हूँ क्योंकि दोबारा मौली कॉल करेगा तो इसलिए परेशानी होगी वीडियो बनाने में। तो चलते हैं, मैं आप लोगों को एक आज बात बतानी है, कौन सी बात है चले मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग पूछ रहे थे यार ये रूपी अली कौन है, क्या चक्कर है, क्या सीन है, ये कबर है आपके पास? चले आया मैं आप लोगों के सामने, इसको कॉल लगाता हूं। और इसका नंबर भी है मेरे पास, कुछ लोगों ने मेरा नंबर मतलब उसका नंबर लीक कर दिया था, उसने मुझे बताया था यार आपने मेरा नंबर लीक किया, ये वो फलां टीर। पहले भी वो सर मेरा खाती थी और अब ज़्यादा खाती है, क्योंकि उसका नंबर मैंने लीक किया। और आप लोग यार उसको तंग ना करें प्लीज़, मेरी इज़्ज़त का ख्याल है, मेरी इज़्ज़त का ख्याल करें। तो चले आए मैं आप लोगों के सामने, मैं उसको कॉल लगाता हूँ, पे उसका नंबर सर्च करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं नंबर रॉयलिस्ट पे सर्च कर रहा हूँ, पहले मैं नंबर ढूंढ लूँ उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं चलें आप लोग यकीन नहीं करेंगे ना, चलें आओ। तो यार ये इसको कॉल जा रही है, ये वही नंबर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा आप कहाँ जा रही हैं अभी? सो सिंधी में बात कर रहा हूँ तो। हेलो अलहमदुल्ला तुम बुधा क्या तबियत, उम्मीद है ठीक हूँ। अच्छा तुम काडे वनो पे हाने? अच्छा सही है जी, सही है। दिखाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तांके केडी गाल में खुशी थींदी है? अच्छा कॉल ते मां पोगलें दो रंदम ठीक है, बाकी तां सा गलेनो यो थोड़ो गाल बोल करणी। सो हाणे मां वनी रहा घर, नमाज जो टाइम थण रहो, सो मगरिब जो टाइम थिया तो पहिरीं नमाज वगैरह पढ़दो आहियां, उनखां बाद अॼु मां इहो वीडियो सॉरी आधा उर्दू आधा सिंधी तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो अभी मैं चलता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, मगरिब का टाइम होने वाला है, पहले नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि आज शबे रात है, शबे रात की रोटी बहुत अच्छी होती है हमारी मस्जिद में, पहले रोटी वगैरह मुकाते हैं उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के
सीधा ये वीडियो एडिटिंग करनी है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है और मेरे साथ आप लोगों को मैंने बात करवाई रूबी अली की। तो यार आप लोग फिर भी यकीन नहीं करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान है भाई, ये यकीन नहीं करेंगे। वैसे भी आप लोग अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, आप लोग अच्छे होते हैं, सिंधी बहुत अच्छे होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग यकीन नहीं करेंगे क्योंकि यार हर बंदा एक ही सोच नहीं होती ना हमारी तरह, जैसे मैं हूँ सादा इंसान, तो इसलिए हर इंसान की एक सोच नहीं होती क्योंकि यार वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। जाहिर सी बात है उनसे मेरी बात नहीं हो सकती, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। तो यार उससे मेरी बात हुई, आप लोगों को मैंने वीडियो सॉरी ऑडियो कॉल करके दिखाई। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा उसको वीडियो कॉल करूँगा, उसको मैंने बोला है व्हाट्सएप पे बातचीत करें वीडियो कॉल की, तो मुझे टाइम भी नहीं होता यार, कभी सदका बाद कभी कहाँ कभी कमा। अभी मैं डर के आ रहा हूँ, मोबाइल लेने गया था तो मोबाइल में लेकर वापसी आ गया, तो लोगों ने देख ली ये क्लिप, मैं गया था वाकई गया था मैं डेर की, तो मोबाइल लेकर वापसी आ गया मैं अभी अपने खेतों में। सो हमारी गंदम भी तैयार हो चुकी है, बस एक दो दिन के बाद इसको रेपर वगैरह लगवानी है, तो इसको काट कर फिर थ्रेशर में निकाल कर इसको बेचेंगे। जाहिर किसी बात है यार पैसे तो आए ना, हम गरीब बंदे हैं, आप लोग बहुत अमीर हैं, हमारी यूट्यूब से बस थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं, बस वही गुजारा कर रहे हैं। और अभी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर कल लंबी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आज मैंने छोटी वीडियो बनाई। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।